हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 4 ईवीएस की लेसन नंबर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता। दिस इज़ द स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। और ये जो स्टोरी है वो बहुत पुराने टाइम की है। जोधपुर इज़ लोकेटेड इन द राजस्थान। जोधपुर एक जगह का नाम है राजस्थान में, जो गुजरात की ऊपर की साइड में आ गया है ये स्टेट। नियर इट लाइज अ विलेज कॉल खेजाड़ी। वहाँ पे एक विलेज का नाम है, उसका विलेज का नाम है खेजाड़ी। वाई इज़ द विलेज नेम खेजाड़ी। ये जो विलेज का नाम है खेजाड़ी क्यों पड़ा? विलेजर गॉट इज नेम बिकॉज मैनी खेजाड़ी ट्रीज ग्रू देयर। जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे बहुत सारे खेजाड़ी ट्रीज होते हैं, इसीलिए वो जगह का नाम खेजाड़ी पड़ा। द पीपल ऑफ विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ प्लांट ट्रीज एनिमल। और वहाँ के जो लोग हैं वो इतने नोबल है, वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें ट्री का, प्लांट का, एनिमल का देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है। दे यूज टू से इफ द ट्रीज आर दैट देन ओनली वी कैन सर्वाइव। अगर ट्री है तो हम है, उनका मानना ऐसा है। अमृता के फ्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। अमृता हर रोज़ जल्दी उठ जाती है और वो अपने फ्रेंड्स मतलब अपने ट्रीज को ग्रीट करती है, गुड मॉर्निंग बोलती है। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर अ डे, पुट हर आर्म अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर। वो एवरी डे अलग अलग ट्री को चूज करती है, वो उसको हग करती है और धीरे से बोलती है, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्गर एंड ब्यूटीफुल। बोलती है कि तुम स्ट्रांग हो और ब्यूटीफुल हो। यू केयर फॉर अस, आई लव यू सो मच। तुम हमारी कितनी ध्यान रखते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेक मी ऑल्सो लाइक यू, मुझे भी तुम जैसा बनना है। यहाँ पे अमृता अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है। यहाँ पे कुछ पेड़ दिखाया हुआ है, कुछ बर्ड्स दिखाया हुआ है पिक्चर्स में। लाइक अमृता, अदर चिल्ड्रंस ऑल्सो हैड देयर स्पेशलिटी। अमृता की तरह सबके पास अपने कुछ कुछ स्पेशल ट्रीज होते हैं, जिन्हें ट्रीज बहुत पसंद होते हैं। दे वुड प्ले फॉर द आवर इन द शेड ऑफ अ ट्री। और वो घंटों तक ट्री के छायड़े में, उसके शेडो में खेलते रहते हैं। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड वेर द ट्री हैव बीन प्लांटेड। आपके घर के आजू बाजू कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ट्री प्लांटेड है? सब लिख सकते हो कि यस, हाँ बहुत सारी जगह है। वाई डू वी प्लांट ट्रीज? हम लोग ट्रीज इसीलिए प्लान करते हैं क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि वुड है, फिर खाने के लिए खाना देते हैं, सो दे प्रोवाइड अस फूड, एयर, दे गिव अस शेल्टर, सो मैनी थिंग्स विद दे आर प्रोवाइडेड। हैव यू सीन एनी वन वाटरिंग प्लांट? हु डज दिस? हाँ, अगर आपके घर में देखे तो शायद आपकी मम्मी, दादी, नानी, पापा सब वाटरिंग करते हैं प्लांट को। हैव यू सीन अ फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? हु ईट्स दिस बर्ड? हाँ, बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं उन पर फ्रूट्स आते हैं, और ये कौन खाता है? इसे बर्ड्स खाते हैं, इसे हम भी खाते हैं। ललिता फील्स दैट ग्रास एंड द स्मॉल प्लांट ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाई एनी वन। जो घास होती है वो बोले वो कोई तो प्लांट करता नहीं है। ललिता को यहाँ पे क्वेश्चन होता है, डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर द ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और द ट्री आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बींग प्लांटेड बाई एनी वन? बहुत सारी जगह पे जहाँ पे पड़ी होती है मिट्टी या ऐसा कुछ चीज़ें पड़ी होती है, वहाँ पे अपने आप से ग्रास ग्रो हो जाती है नेचुरली। वाई डू दिस ट्रीज ग्रो हियर? वट डू यू फील? एक्चुअली नेचुरली वहाँ पे सप्लीमेंट मिल जाने की वजह से वहाँ पे कुछ चीज़ें गिर जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे ग्रो ग्रास जो होती है वो ग्रो हो जाती है। वैसे करके बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो ऐसे ऑटोमेटिकली नेचुरली जब भी सारी चीज़ें मिल जाए उन्हें तो वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रीज इन डेंजर्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइम वेंट बाय, टाइम निकलता गया, टाइम निकलता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। धीरे धीरे अमृता बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन वापस से हर रोज़ की तरह वो अपने ट्रीज को विश करने गई, ग्रीट करने गई, मिलने गई। शी सॉ सम स्ट्रेंजर देयर। और वहाँ पे उसको कुछ स्ट्रेंजर दिखे। दे हैड एक्सेस विद देम और हाथ में कुहाड़ी लेके आए थे। दे सेड द किंग हैड सेंड देम टू कट द ट्री फॉर द वुड। उन्होंने बोला कि राजा ने हम लोग को भेजा है, उन्हें ये ट्री काटना है क्योंकि उन्हें कुछ वुड चाहिए। द वुड वॉज नीडेड फॉर द बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। और राजा का महल बनाने में कुछ वुड की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए। अमृता वॉज शॉक। अमृता बहुत ही शॉक हो गई। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वो अबाउट टू कट। और यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा कि वो ट्री के पास चली गई जिसे वो काटने वाला था। शी पुट हर आर्म अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। उन्होंने बोला कि भाई आपको काटने से, ट्री काटने से पहले मेरे को काटना पड़ेगा। और वैसे करके उसने हग करके ट्री को पकड़ लिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन हर। बहुत ही चिल्लाया वो मैन, उसको हटाने की कोशिश की। बट अमृता डिड नॉट लेट गो द ट्री। पर अमृता वहाँ से थोड़ी भी नहीं हटी। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। और किंग्स के जो वो कुहाड़ी लेके जो इंसान आए थे उनको तो फॉलो करना ही पड़ा, वो ऑर्डर था क्योंकि किंग का।
दे हैड टू कट द ट्री, उनको कट करना ही था ट्री। ऑन सीइंग दिस अमृताज डॉटर्स एंड द हंड्रेड्स ऑफ द विलेजर्स ओल्ड यंग हग द ट्रीज टू दी प्रोटेक्ट दैम, और बहुत सारे विलेजर्स ने देखा तो वो भी वहाँ पे आ गए, उसको हग करके, पेड़ को हग करके वो भी खड़े रह गए। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्री, और उनकी बेटी अमृता और उनकी बेटी जो थी उन्होंने ऐसे करके बहुत सारे ट्री को बचा लिया। When the king heard of this, he could not believe that the people gave their life for the trees. यहाँ पे जब किंग ने ये सुना तो उनको बहुत ही शौक लग गया कि वाओ पीपल तो कितने अच्छे हैं कि मतलब वो अपने ट्री के लिए जान भी देने के लिए रेडी है। He visited the village himself, और वो खुद मिलने गए villagers को। Then he saw a deep feeling of a villagers towards the tree and the animal. वहाँ पे उन्होंने देखा कि villagers के लिए मन में ट्री और एनिमल के प्रति कितनी भावना है। Do you remember what the elders of this family used to say? उनको पता है कि, आपको पता है कि यहाँ पे जो एल्डर्स है वो विलेजर्स वो ट्री कि क्या बोलते हैं कि मतलब ट्रीज नहीं तो हम नहीं, ऐसे। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देर वर नो ट्रीज नो एनिमल, नहीं हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर कोई भी एनिमल और ट्री नहीं होगा तो। विलेजर इज प्रोटेक्टेड, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर द ट्री एफ्लिक्टेड द किंग ग्रेटली, ये जो विलेजर्स की फीलिंग थी वो किंग के दिल को कहीं ना कहीं टच कर गई। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्रीज वुड बी कट, वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया कि अब से कोई भी ट्री कट नहीं होगा, कोई भी एनिमल को नुकसान नहीं होगा वो एरिया में। इवन टुडे ऑलमोस्ट 3 years पास्ट, वहाँ से लेके अभी 3 साल पास हो गए है, आज भी द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोई कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल, वहाँ के लोगों को बिश्नोई बोला जाता है क्योंकि वो प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं और वो आज भी ये फॉलो करते हैं प्रोटेक्शन का काम। इवन दो In the middle of the desert, the area is a green and animal roam about freely without any fear. और वहाँ के animal और जो green plant आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे और जो animal है बिना कोई fear के यहाँ वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे write about one trees लिखना है, name of a trees, mango tree लिख देते हैं हम लोग। Does the tree have a flower? Which color? Yes, it's of a orange color. Do the flower remain on the trees throughout the year? क्या पूरे साल वो ट्रीज़ के फ्लावर रहते हैं? सो यहाँ हम लोग लिखेंगे नो द फ्लावर डू नॉट रिमेन ऑन द ट्रीज़ थ्रू आउट द ईयर। इन विच मंथ डू द लीव्स फॉल्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मंथ ऑफ जनवरी में उसके लीव्स जो है वो गिर जाएंगे। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्रीज़? येस दे डू ग्रो ऑन द ट्रीज़। मैंगो लिखेंगे नाम। इन विच मंथ डू द ट्रीज़ हैव अ फ्रूट्स? लिखेंगे मैंगो ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च। Have you eaten this fruits? How do it taste? Tested? Yes, I have eaten this mango and it's tasted sweet and sour. Discuss देखते हैं। Why do people hunt? हम लोग लिखेंगे for food। लोग शिकार क्यों करते हैं? खाने के लिए। There are the rule against hunting of some animal. People can be punished for hunting. Why are such punishable imposed? Punishment has been made to save the animal. Actually जो punishment जो है वो एक्चुअली इसलिए इम्पोज की जाती है, इसलिए किसी के ऊपर ला दी जाती है क्योंकि हम लोग एनिमल को बचा पाए। हम लोग आगे देखेंगे। विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ अ यंग एज? हम लोग लिखेंगे क्रो, स्पैरो, पैरट, ईगल, कुकूस एक्सेट्रा। वो बोल रहे हैं आपने कौन कौन से टाइप के बर्ड देखे हैं जब आप छोटे थे। हैज़ अ नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस? आपने कहीं देखा है कि ये सारे जो बर्ड है वो कम होते गए हैं? यस, नंबर्स जैसे कि वल्चर है, स्पैरो है, ईगल है, वो भी कम होते गए हैं। आर दिस बर्ड्स, आर देयर सम बर्ड्स ऑन दैन एनिमल विच दे कैन नॉट सी एनी मोर नाउ? कुछ ऐसे बर्ड्स और एनिमल के नाम बताने हैं जो अभी नहीं देखने को मिलते हैं। दैट इज अ डायनासोर एंड चीटा, वो इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। शांतिज ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट व्हेन ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड ही सॉ मोर बर्ड्स लाइक स्पैरो, मेनास दैट ही सीज टूडे। जो यहाँ पे शांति है उनकी ग्रैंडफादर उनको यहाँ पे बोलते हैं कि मैं जब तुम्हारे एज का था ना तो मैंने स्पैरो और मैना बहुत देखी है। कैन यू टेल द रीज़न वाई दर नंबर्स हैव बिकम लेस? हम लोग लिखेंगे कि उसके नंबर क्यों कम हो गए हैं, उसके रीजंस लिखे। तो पहले हंटिंग, दूसरा है कटिंग डाउन ऑफ अ ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा कट हो रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एनिमल बर्ड्स का शिकार कर रहे हैं इसलिए वो कम होते जा रहे हैं। द खेजारी ट्रीज वॉज मोस्ट कॉमन ट्रीज एट द ग्रू इन द अमृताज विलेज। विच काइंड ऑफ अ ट्री कैन यू सी मोस्ट ऑफ इन योर एरिया? नेम टू सच ट्रीज। जैसे अमृता के विलेज में खेजारी ट्रीज बहुत है, वैसे आपको आपके नियर बाई एरिया में कौन से ट्रीज ग्रो हुए देखने को मिलते हैं आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो मैंगो और नीम ट्रीज।
खिचड़ी ट्रीज इज फाउंड मेनली इन द डेजर्ट एरिया. जो खिचड़ी ट्रीज होता है वो डेजर्ट एरिया में ही मिलता है. इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर. यहाँ पे खिचड़ी ट्रीज को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है. इट बार्क इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन. और उनकी जो बार्क होती है वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है. पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट. पीपल उनके फ्रूट्स को पकाते हैं फिर खाते हैं. बीन्स बोलते हैं एक्चुअली इसको. इट वुड्स इज सच दैट इट वुड नॉट अफेक्टेड बाई द इंसेक्ट. और उनका जो लकड़ा होता है वो इंसेक्ट भी नहीं खराब कर पाते. एनिमल इन दिस एरिया इट्स अ लीव्स ऑफ खिचड़ी एंड चिल्ड्रंस लाइक यू प्ले इन द शेड. जो एनिमल्स होते हैं उनको खिचड़ी के लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं और जो चिल्ड्रंस हैं उनकी शेड में खेलना बहुत पसंद करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.